67वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मुख्य समारोह को मोरहाबादी मैदान में मनाया जाएगा। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यहां पर झंडोत्तोलन करेंगी। समारोह के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं समारोह से पहले किस तरह से लोगों ने तैयारियां की, कितना जोश नजर आया। साथ ही स्कूली बच्चे भी अपने अंदाज में यहाँ जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे उसके रिहर्सल करते नजर आए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कई विभागों की झांकियां भी निकाली जाएंगी। 15 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। ये वो झांकियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। सूचना विभाग की झांकी आकर्षण का केंद्र बना है, लोगों में काफी उत्सुकता है इस झांकी को देखने की। मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का ये समारोह होगा जहां पर 15 झांकियां निकाली जाएंगी और झांकियों को लगातार फाइनल टच दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कारीगर जो है वो बना रहे हैं किस तरीके से इन झांकियों को। तो 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है देश और इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जल अलग अलग जगहों से। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीर है। सिक्योरिटी की खास करके बात करें तो इस बार गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहद ही पुख्ता किया गया है। आज पूरा देश 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सुबह के करीब 8 बजे विजय चौक पर झंडा फहराएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली सहित आसपास के शहरों में भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। लगातार चेकिंग हो रही है और फ्रांस के राष्ट्रपति खास फ्रांसवा ओलांद इस बार के मुख्य अतिथि होंगे। बड़ी बात ये कि इस बार जो फ्रांस सैन्य बल है और भारतीय सैन्य बल है एक साथ परफॉर्म करती नजर आएगी। पारंपरिक रूप से अगर देखें तो ये कार्यक्रम जो है वो 115 मिनट का होता है, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम 90 मिनट का होने वाला है। इस बार के कार्यक्रम को 25 मिनट के लिए कम कर दिया गया, यानी कि 25 मिनट की इसमें कटौती की गई है। भारतीय संविधान को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब फ्रांस का दल और भारतीय सैन्य बल एक साथ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा हर जगह, दिल्ली से लेकर पटना और रांची, हर जगह पर पुख्ता कर दिए गए हैं। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम संबोधन दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश के विकास दर में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद और असहिष्णुता के खिलाफ देश को एकजुट होने की जरूरत है। इंडिया इज बिल्डिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स दिस ईयर With an estimated growth rate of 7.3%, India is poised to become the fastest growing large economy. Contraction in global oil prices has helped maintain external sector stability and control domestic prices. Justice, equality, and gender and economic equity. When grim instances of violence hit at these established values, which are at the core of our nationhood, it is time to take note. We must guard ourselves against the forces of violence, intolerance, and unreason.
और सोमवार को गुड़गांव में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सचिवालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए एनर्जी बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक बनाने की सलाह दी है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे इंजीनियर्स वो नई चीजें लेकर के आए कि जो पर्यावरण पर प्रभाव पैदा न करती हो, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने के लिए रास्ता दिखाती हो, और ऐसे साधनों को विकसित करें जो एफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो और गरीब से गरीब व्यक्ति की पहुंच में हो। ये सूर्य ये बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है। सारा जीवन को चलाने में, सृष्टि को चलाने में सूर्य की अहम भूमिका है। क्यों न हम उसको एक ताकत के रूप में स्वीकार करके विश्व कल्याण का रास्ता खोजें। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस नाम की संस्था का जन्म हुआ। उसमें इस बात का निर्णय हुआ कि इसका ग्लोबल सेक्रेटरिएट हिंदुस्तान में रहेगा। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में बन रहा है। और अब कुछ ही देर बचा है जब गणतंत्र दिवस की धूम हर ओर देखने को मिलेगी। तस्वीरों में 67वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है और उसकी तस्वीरें एक एक करके सामने आने लगी हैं। लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। जहां आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं इस बार गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है। सुरक्षा के मद्देनजर देखें तो इस बार सुरक्षा को और भी पुख्ता कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर अलर्ट घोषित किया गया है। ये दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से सुबह से ही वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है, और इतना ही नहीं सुरक्षा को बेहद ही पुख्ता कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की हम बात करें या फिर हर उस तकनीक से जिससे कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा सकता है, निगरानी रखी जा सकती है, उसका इस्तेमाल इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, जहां पर इस बार कुछ खास तस्वीरें भी हमें देखने को मिलेगी। 67वां गणतंत्र दिवस है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करीब 8 बजे विजय चौक पर झंडोत्तोलन करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली और आसपास के शहरों में सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। वहीं इस साल गणतंत्र दिवस का जो आधिकारिक कार्यक्रम है वो 90 मिनट का होगा। दरअसल पारंपरिक रूप से यह कार्यक्रम 115 मिनट का होता है, लेकिन इस बार इसे 25 मिनट कम कर दिया गया है।